हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हमें बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम बोर्ड एग्जाम 2020 के जो बच्चे अक्सर मिस्टेक्स करते हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो बच्चों, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क स्टूडेंट स्कोर लेस मार्क्स, स्टूडेंट बहुत कम नंबर पाते हैं जबकि वो खूब मेहनत कर लेते हैं उसके बावजूद भी उनको कम नंबर मिलते हैं। एक पुरानी कहावत है, एवरी वन नो वाट टू डू बट सम डू वाट दे नो, मतलब कि सबको पता है करना क्या है पर कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं वो कर पाते हैं। तो हमारे सबसे पहली मिस्टेक्स क्या है, सबसे पहली मिस्टेक्स है हमारी रिवाइजिंग टिल लास्ट मिनट। बहुत बच्चों को देखा है मैंने कि वो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहेंगे, जब तक एग्जाम हॉल में नहीं एंटर करते तब तक वो पढ़ते रहेंगे, और उस पढ़ने से क्या होगा, वो खुद को अपने आप को इतना टेंस करने लग जाते हैं और इतनी उनको बिना बात की जो टेंशन लेने लगते हैं, और किसी ने लास्ट टाइम और कुछ पूछ लिया उससे, भाई ये क्या पढ़ा ये नहीं पढ़ा, और दूसरों को भी टेंशन देते हैं प्लस खुद को भी इतनी टेंशन ले लेते हैं। तो हमें ये जो है ना रिवाइज करते रहते हैं लास्ट मोमेंट, आपने पूरी साल मेहनत करी है, आपके पूरी साल मेहनत करी है तो आपको घबराना ही नहीं है, क्यों लास्ट टाइम तक देख रहे हो। और 5 मिनट का याद रहता भी नहीं है, अगर आप 5 मिनट पहले तक याद करते हो तो आपका कुछ इतना रहता नहीं है। उसके बाद हमारी सेकंड मिस्टेक जो करते हैं, नॉट फिलिंग द एंट्रीज प्रॉपरली। ये हमको एंट्रीज को बहुत ही प्रॉपरली करना है। कुछ लोग रोल नंबर में गलती कर देते हैं, कुछ लोग रोल नंबर जब स्टार्टिंग में भरने लगते हैं उसमें रोल नंबर में गलती हो गई तो पूरे दिन पेपर में तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा, यार मेरा रोल नंबर गलत हो गया, क्या पता कॉपी चेक हो कि नहीं हो, सेंटर कोड गलत भर दिया। किस बार तो ऐसा करते हैं कि अपनी प्रेजेंट ही नहीं लगाते, प्रेजेंट नहीं लगाते हैं, उसके बाद अगर गलती से बाई चांस तुम्हारा अगर अब्सेंट होके आ गया पेपर, तो अगर तुम क्लेम भी करते हो कि भाई मैंने तो पेपर दी थी मेरी अब्सेंट है, पर वो भी दोबारा से सिर्फ इसी को चेक करते हैं तुम्हारी जो एंट्रीज हैं कि तुमने वो भरी है नहीं भरी है। अगर तुमने वो एंट्रीज में अब्सेंट भर रखा है, तुमने कोई एंट्रीज नहीं प्रॉपरली भरी हुई है, तो वो आपको अब्सेंट ही मान जाए हुए। तीसरी है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं वो है कि हम पेपर्स को केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। पेपर को पढ़ना केयरफुली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमको नोट लगा रहता है। जैसे कि अगर मैं मैथ का कहूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, अगर उसने पूछा तो नॉट ए रेशनल नंबर और आपने जल्दी में उसको नोट को पढ़ा नहीं है तो आपने देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, आपने उसको टिक लगा दिया और आप यहाँ पर गलती कर बैठे। दूसरा क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 3 out of 5। अब तुमने 3 पढ़ा नहीं है कि अटेम्प्ट एनी 3, तुमने देखा कि 5 क्वेश्चन है, पूरे 5 के 5 को कर दिए, तो अब उसमें तो तुमने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया और उस टाइम में तुम्हारा जो तुमको क्वेश्चन आता होगा वो क्वेश्चन में तुम रह जाएगा। फिर इसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और क्या करते हैं कि कई बार हमारे पास ये होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक ही आ जाती है किसी पेपर में, पर वो हमको आधे पेपर में जाने के बाद पता चलता है क्योंकि हमने तो उस वक्त पढ़ा नहीं था। जब हमारे पास बोर्ड में 15 मिनट पहले हमको पेपर मिल जाता है तो 15 मिनट में उस पेपर को हमें पढ़ना चाहिए ना केयरफुली। उस पेपर को अगर हम केयरफुली पढ़ देते हैं तो हमें इस तरह की मिस्टेक्स नहीं आएंगी, पेपर अनप्रिंटेड आ गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरी साइड में पेपर प्रिंट ही नहीं है, आपने सोचा कि इतना ही पेपर है वो कर लिया, तो वो हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमको 15 मिनट में आराम से पेपर को करना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर हम पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो जो जो क्वेश्चन आते हैं हमें पहले ही पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छा, और उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छा पहले से आता हो। क्योंकि जब कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, अगर आपने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है और उसके बाद आपको जो जो धीरे धीरे आते हैं उनको अटेम्प्ट करते जाइए। उसके बाद स्किपिंग द क्वेश्चन बिटवीन, अगर हम ये कहें पॉइंट नंबर 3 को, अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के चक्कर में, हम फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा अच्छे से आता है, और उनको करने के चक्कर में हम इस क्वेश्चन को कई बार बीच में कोई क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन को ये सोच के छोड़ देते हैं इसको हम बाद में कर लेंगे, पर हमारा बात तो कभी आता नहीं है। पेपर में इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी टेंशन होती है कि हम ये क्वेश्चन भूल जाते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि जो हमें बाद में सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उसको पहले ही सर्कल मार्क कर लेना है जिससे कि वो बाद में हमें दिख जाए कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा स्किप हो गया है और जो हमें दोबारा से देखना है। उसके बाद हमारी 5वीं है स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ द टाइम ऑन 1 question। ये तो हर दूसरे वाले बच्चे के साथ दिक्कत होती है, वो क्या करता है कि अगर उसको कोई क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी लगी तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया और उस पता लगा कि उस एक क्वेश्चन में उसने 20 मिनट लगा दिए, अगर उसमें कहीं मिस्टेक होने लगी वो उसी क्वेश्चन में लगा हुआ है, जिस क्वेश्चन में उसे 3 मिनट देने चाहिए थे वो यहाँ पे 20 मिनट दे चुका है,
20 मिनट देगा तो सीधी सी बात है कि दूसरे और क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम की कमी पड़ेगी। तो इतने हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम पहले से डिसाइड करना चाहिए कि भाई जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर में टाइम दूंगा, अगर वो उतने को उस टाइम में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और अगर लास्ट में हमारे पास स्पेयर टाइम बचता है तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ही हमें हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं दे देना है कि हमें बाद में जो सिंपल हों क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन हों, उन क्वेश्चनों को हमको इस टाइम की वजह से छोड़ना पड़े। तो ये तो हो गई हमारी 5 मिस्टेक्स जो कि स्टार्टिंग में अभी मैं ये डिस्कस कर दिए। उसके बाद कुछ मिस्टेक्स और हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है टेंडेंसी ऑफ राइटिंग मोर देन रिक्वायर्ड। कुछ लोगों की आदत है कि अगर 2 नंबर का भी पूछा है उसमें बहुत कुछ लिखते जाते हैं, पर CBSE ऐसे बच्चों के नंबर भी डिटेक्ट करती है कि जो अननेसेसरी चीज़ें लिखने पड़ते हैं। अननेसेसरी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखनी है। कुछ लोग तो फिल्में गाने भी लिखने लग जाते हैं और कुछ लोग कुछ और ऊटपटांग चीज़ें लिखने लग जाते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखनी है। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो पेपर में पैसे भी लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इस कि मेरे को ये पास कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, और उसके लिए वो पेपर में पैसे भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो कॉपियां चेक होती हैं वहाँ पे 3-3 बार चेक होती हैं और वो सीनियर की ऑफिसर्स की निगरानी में चेक होती हैं, तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप पैसे लगा रहे तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स भी नहीं करें कि आप पेपर में कुछ भी ऊटपटांग लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं कि आपको इसकी कसम है अगर हमने पास नहीं किया तो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी, और जो क्वेश्चन की जितनी रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर का है तो उसमें 2 नंबर का ही 2 पॉइंट लिखो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। और इस तरह से हम अगर ज़्यादा लिखते हैं तो हम हमारे ही टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें फिर अगेन वही है कि टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी, फिर हमें जो आते हुए क्वेश्चन है वो छोड़ जाएंगे। फिर उसके बाद है राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म। तो जो हम राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म में मोस्टली लोगों को देखा है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, जबकि वो ऐसा तरह से नहीं लिखना है, हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अगर हमारे मैंने माना कि कोई केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है या हमारा कोई साइंस का क्वेश्चन है, उसको हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं मोस्टली बच्चे, तो उन्हें पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, ईजी होता है उससे अभी पॉइंट फॉर्म में लिखा जाए। अगर हम पॉइंट मैरन पर लिखते हैं तो पढ़ने वाले के लिए, जो कॉपी चेक करने वाला है उसके लिए भी बहुत आसानी है। और हम जब पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो हमें जो भी चीज़ है उसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, और हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखा है मैंने वो तरह तरह के पेन यूज करने लग जाते हैं। हमारे CBSE के अंदर ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन अलाउ हैं, उन पेन से ही हमको उसको वो करना है। अगर ज़्यादा ज़्यादा ब्लैक पेन से हमको हेडिंग डाल देनी है, इसके अलावा हमें ब्लू यूज करना है, रेड ग्रीन वगैरह कोई भी पेन यूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। CBSE अलाउ नहीं करता उन पेनों को यूज करने के लिए। गिविंग अप ईजिली, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत आता है उनका, यार क्या लिखना है छोटे मोटे चीज़ को जो हमें थोड़ा सा आता है, ये क्वेश्चन पहले सारे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन में कम भी आता है तो उसे भी अटैम्प्ट करना है। मतलब कि अटैम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में पता नहीं कुछ आधा नंबर भी मिल जाए तो तुम्हें उससे भी अपने स्कोर को इजाफा मिलेगा। तीसरा, फिर उसके बाद हमारा बचा क्या, डिस्कसिंग द पेपर आफ्टर एग्जाम। जो हर कॉमनली हर बच्चा जो गलती करता है वो क्या करता है, और इसकी गलती को कितना भी मना कर लो उसके बावजूद भी ये बच्चे ये काम करते ही करते, वो पेपर को डिस्कस करना ही करना है। अपने जैसे ही पेपर हॉल से निकले अपने 5-7 दोस्तों के साथ मिले और पेपर को वहीं डिस्कस करने लग गए। अब पेपर को डिस्कस करने में आपने इनमें से कोई मिस्टेक कर दी, पता लगा कोई क्वेश्चन छूट गया या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और तुम्हारा दिमाग सभी का वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। और जब दिमाग ख़राब होने लगेगा और जो तुम क्या करोगे और टेंशन में आओगे, अगले पेपर को ज़रूर ख़राब कर लोगे। ये तो ख़राब हुआ जो हुआ और आपके सारे पेपर फिर ख़राब होने वाले हैं। तो हमको डिस्कस नहीं करना है, आप सारी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद आराम से डिस्कस करिए, क्या दिक्कत है। बट उन जब तक हमारे पेपर चालू हैं तब तक उस पेपर को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने ही स्कोर को ख़राब करने वाले हो। उसके बाद एक, ये तो ड्यूरिंग एग्जाम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जो हम एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के बाहर करते हैं, बट कुछ मिस्टेक्स जो हम जनरली करने लगे हैं आजकल वो क्या है, नेगलेक्टिंग द NCERT टेक्स्ट मटेरियल। जैसे CBSE चाहे 10th बोर्ड हो चाहे हमारा 12th बोर्ड हो, दोनों के अंदर क्या होता है, CBSE हमेशा प्रीफर करता है कि वो अपने NCERT से क्वेश्चन आस्क करता है, हमारे NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है। पर हमारी क्या आदत हो गई है कि हमें रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत हो गई है, या हमारे ये देख लेते हैं कि हमारे किसी दोस्त ने अच्छा ये रेफरेंस बुक पढ़ी है तो क्यों ना हम भी ये रेफरेंस बुक पढ़ लें। कुछ टीचर भी कहते हैं कि रेफरेंस बुक पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट मटेरियल हमको NCERT वाला पढ़ना है। अगर ये वाला मटेरियल हमारे पास
क्लियर है, हमारे इसके सारे एग्जाम्पल हो रखे हैं, तो ही हमको रेफरेंस बुक पर जाना है। क्योंकि अगर हम रेफरेंस बुक में उलझे रह गए और पता चला कि जो कॉमनली जो सिंपल क्वेश्चन भी हैं उनको हमने अगर नहीं देखा है तो वो क्वेश्चंस भी हमारे को जाके अफेक्ट करते हैं। तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कोर हमको अगर अच्छा करना है तो स्कोर अच्छा करने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क किस तरह से करोगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। हमें डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाने हैं, राइटिंग अच्छी लिखनी है। कुछ लोग बिल्कुल राइटिंग ख़राब करके लिखते हैं। अभी भी 3 महीने आप लोगों के पास, आप अपनी राइटिंग को सही कर सकते हो। जब तक आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी तो सामने वाले को स्कोर, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो बहुत कुछ लिखा पर हमारे स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग भी रोल प्ले करती है। सामने वाले को अगर क्लियरली नहीं समझ में आएगा तो वो कैसे करेगा। दूसरी बात, ये जो नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट मटेरियल में क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, जो हम लिख देते हैं रेफरेंस बुक का, और जो कॉपी चेक करने के लिए जो हमारे पास होते हैं, वो कॉपी चेक करने में क्या करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट मटेरियल ही उन्हें दिया जाता है उसके सॉल्यूशन के रूप में। अगर वो सॉल्यूशन देखते हैं, वो इससे मैच करके देखते हैं, उनसे सॉल्यूशन अगर मैच होता है तो वो आपको अच्छा स्कोर मिलने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज रेफरेंस बुक से है तो वो जरूरी नहीं है कि आपको उस क्वेश्चन में रेफरेंस बुक से क्वेश्चन में अच्छे मार्क मिले। तो वाई अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स यू कैन स्कोर मोर, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको आज हमने डिस्कस किया है, आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। हमारे चैनल पर आपको ये सारी मिस्टेक्स को हमने सॉल्व किया है। वाई अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स यू कैन स्कोर मोर, ये कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर इनको आप अवॉइड कर देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर सक्सेस पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आप इनको करके देखिए, उसके बाद अपना स्कोर देखना कि आपके स्कोर में कितना होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो हम इस तरह के और वीडियोज़ अभी डालने वाले हैं, तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।